स्टूडेंट्स जोहार, हम डॉक्टर अनुपमा मिश्रा, लेक्चरर मारवाड़ी कॉलेज रांची, विषय नागपुरी। आज हम रोरमन के एगो नवा किताब भगवान एक पूरब के कविता संग्रह पढ़ाब। भगवान एक पूरब के एगो खंड काव्य है, जेकर कवि कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा हैं। श्री शर्मा ई गीत कर संग्रह के लेख हैं और इके रोरेमन के इलेक्टिव कोर्स में पढ़े हैं। शारदा प्रसाद शर्मा आधुनिक नागपुरी कर एगो ऐसन समर्थ कवि रहें जिनकर बानी सिद्ध हो चुके रहे। बहुत ही नामी साहित्यकार और कवि रहें। ई बहुत सारा रचना कर हैं, जेकर में एगो इनकर प्रमुख रचना भगवान एक पूरब के है। इनकर रचना मन गीत आज के कुछ काल के पतई एक कोई नार के विप्लवी महान और भगवान एक पूरब के ई बहुत ही नाम कमा है। ई कविता मन जैसे विप्लवी महान उ लिख रहे हैं, उ ठाकुर विश्वनाथ साहिकर ऊपरे लिख रहे हैं, जे कि 1857 कर विद्रोह में छोटा नागपुर का नेतृत्व कर रहे हैं। उहे नियर भगवान एक पूरब के वीर बिरसा कर ऊपरे लिख हैं, जे कि छोटा नागपुर कर अमर शहीद रहें और भले अपन जान दे दिलें लेकिन अंग्रेज कर अधीनता स्वीकार नहीं कर लें। एगो आदिवासी परिवार में जन्म ले के भी अंग्रेज से टक्कर लेवे की हिम्मत इनकर में रहे, से ले इनके भगवान कर दर्जा मिलक और इनके विषय में ये लिख हैं भगवान एक पूरब के। क्रांतिकारी वीर शहीद बिरसा भगवान कर अमर इतिहास गाथा के लयबद्ध गीत में गाइथ दे हैं भगवान एक पूरब के किताब में। भगवान बिरसा कर इतिहास गाथा जे ई लीख हैं वो डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह कर शोध प्रबंध पर आधारित है। भगवान एक पूरब के कर नायक बिरसा मुंडा हैं और इनकर चरित्र कर इकर में चित्रण करल जा है और कथा के 9 भाग में बांटल जा है। जखन इकर शुरुआत होवेला तो वंदना से होवेला। इकर प्रथम भाग में कवि जे बता हैं उके तनी सुन हम पढ़ के रोरमन के सुना थी। पूर्वांचल गति धरे 57 के डगरे अंग्रेज कूट नीति लूट धन धर्म बीच झारखंड बन जागे अंतर मन बीच झारखंड जस बहे हवा पानी निर्दंध निर्गुनी माटी के पूत चाहे धरती आपन बीच झारखंड बन जागे अंतर मन फरकत हिया बाही माटी के मांग लागी जागी सुखल हाड़े नव रूप कंपन बीच झारखंड बन जागे अंतर मन आंदोलन धरी जागे खेर भींजल सलगे पत्र पत्रिका रहे चर्चा अखंड बीच झारखंड बन जागे अंतर मन शारदा उपेक्षा खान पान और भाषा जन जन जागी उठे तोरी के बंधन बीज झारखंड बन जागे अंतर मन। प्रथम भाग में कवि बता हैं कि पूर्वांचल मतलब ई क्षेत्र में 1857 कर क्रांति कर डहर बहुत पहले से ही यहाँ कर आदमी चले लागल और इकर कारण रहे कि झारखंड कर जे परंपरागत भूमि व्यवस्था रहे उके अंग्रेज मन अपन स्वार्थ ले खत्म करे लागलें, भारी शोषण और जुलूम करे लागलें, जेकर से हियाँ कर आदमी एकदम से परेशान हो गेलें और अंग्रेज मन हियाँ कर आदमी से बेगारी भी करवाए लागलें। जितना भी बाहरे से आवल आदमी मन रहें उ मन अंग्रेज मन कर संगे मिल के हियाँ कर जमींदार मन कर संगे मिल के हियाँ कर आदमी का शोषण करे लागलें, उ मन कर से बेगारी से काम करवाए लागलें।
कवि कहे ना डकैत दिकू चोर, भाषा न बुझावे गोर ओहरे, पुलिस कुलिस जिमीदारे रे, भेड़ के भेड़िया भाके, कलेक्टर महाजन परहा पंच भंजन ओहरे, पहान पुजार बनी झक रे, भेड़ के भेड़िया भाके, रीत गीत छिति छान जीविका चले भोटांग डहरे, स्वान जस हार चाबी चाखे रे, भेड़ के भेड़िया भाके, वैष्णव कबीर पंथी हिंदू किरिस्तान स्वासी ओहरे, खिधोर समाज धरे माछ रे, भेड़ के भेड़िया भाके, थाना गोरा ईसाई जिमीदार मौसा भाई ओहरे, रिकाब रोब के चढ़ी नाचे रे, भेड़ के भेड़िया भाखे, शारदा वकील ठग मुख्तार प्रचारक ओहरे, गांठ पूर अंध राखे धोखा रे, भेड़ के भेड़िया भाखे। कवि कहे ना कि हियाँ कर आदमी के बाहरी आदमी मन चोर डकैत नियर लूटे लागलें, हियाँ कर संस्कृति के छिति छान करे लागलें, रीत गीत जीविका हियाँ कर काम धंधा सब बेड़ाए गेलक, काम कर खोज में हियाँ कर आदमी भोटांग कर डहर धरलें, ईसाई अंग्रेज फादर मनक भाखा के भाषा के क्यों नहीं बुझे पारत रहें, और उमन कर संगे मिल के हियाँ कर जमींदार मने पुलिस और जितना भी बाहर से आवल आदमी मन रहे हैं सब मिल के हियाँ कर आदमी के लूटे लागल हैं, जन जल जंगल जमीन सब पर कब्जा करे लागल हैं, और हियाँ कर आदमी का रहे जिए मुश्किल कर दिलें, सब रीत गीत अखरा संस्कृति सब बेड़ा गेलक, जिए खाए साधन बेड़ा गेलक, काम कर खोज में सब बाहर जाए लागल हैं, भूटान कर डहर धरे लागल हैं, और धर्म कर नाम से अंग्रेज पादरी मन प्रचार करे लागल हैं, लोभ दे दे के धर्म परिवर्तन करे लागल हैं, एगो धंधा बनाए ले लें, थानेदार और जमींदार मने भाई मौसेरा भाई नियर हो गए लें, और यहाँ कर आदमी के लूटे लागल हैं, अंग्रेज कर साथ देवे लागल हैं, भेड़िया लखे जैसे भेड़ के भेड़िया चाबेला चाहे कुदायला, वही नियर इमन भेड़िया बन के हियाँ कर भेड़ लखे सीधा साधा आदमी के लूटे लागल हैं, ऐसन शोषण और अत्याचार कर विरोध में गाँवे गाँव में बैठकी होवे लागल, कते सहते हियाँ कर आदमी कैसे इमन कर से मुक्ति मिली, ई सोच के गाँवे गाँव में बैठकी होवे लागल, गुमान से भरल अंग्रेज अधिकारी और महाजन मन इमन कर मान मर्दन इमन कर गुमान के ख़त्म करे के लिए सब कोई अब तैयारी करे लागल, इतिहास गवाह है, जब जब राक्षसी राज होवेला, जब जब अत्याचार बढ़ेला, दुर्बल जनता के सतावल जाएला, तब जनता कर बल दुगुना हो जाएला, और क्रांति कर लहर कोना कोना में पसर जाएला, धीरज कर बांध टूट जाएला, अत्याचारी कर राज बगरा दिन नहीं टिक सकेला, प्रजा कर सहन शक्ति घट गेलक, और उकर लहू क्रांति ले डबके लागलक, चारो बटे क्रांति कर लहर उठे लागेला, और सब कोई लड़ाई कर खातिर जुटे लागेना, मरे और मारे के लिए सब तैयार हो गेला। इनियर प्रथम भाग में कवि जे कई हैं उ गीत में यह चीज़ कर वर्णन है कि कैसे अंग्रेज मन अत्याचार करे लागलें, और उ मनक साथ बाहरी आवल आदमी मन देवे लागलें, हियाँ कर महाजन जमींदार और पुलिस मन देवे लागलें, ई मन कर शोषण अत्याचार कर चलते हियाँ कर जनता एकदम से दुखी हो गेलक, टूट गेलक, मुदा फिर से संगठित हो के गाँवे गाँव में बैठकी करी लागलें कि इमन कर मान मर्दन इमन कर गुमान के कैसे ख़त्म कर जाओ, और सब जगह क्रांति ले तैयारी होवेला। तो ई होला भगवान एक पूरब के कर पहला भाग कर सारांश मतलब सप्रसंग व्याख्या, और इकर 9 गो भाग है, आज हमरे पहला भाग के पढ़ ले, तो आज ले इतने।